जैसे आपने कहा 10 मिनट के लिए मुलाकात होगी, उसमें आदमी कोई अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ लेडीज पुलिस वाली होंगी। उसमें आदमी अंदर थे, वो वाइट कपड़े वाला अंदर था। मेरी बेटी जब मेरे साथ बात कर रही है तो साथ में पुलिस वाली इशारे कर रही थी, तो मैंने उसको कहा आप उधर क्यों देखती हो, मेरी तरफ देखो। जब इसके बाबा बात कर रहे हैं तो वो वाइट कपड़े वाले को देख रही है। हमने बड़ी मुश्किल से बात की, हमने कहा कि आप डर निकालो, जो भी है आप जब सबके सामने बोलो। वो राजी हुई बाहर आने के लिए। बात जैसी उसने मुँह से बोला कि हाँ मैं बाबा चलती हूँ, मैं बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ मैंने घर जाना है, वैसे ही वो उन्होंने फौरन मेरी बच्ची को मुझसे छीना और छीन आ बाकी आपके सामने के वो बयान दिलाने के बजाय और लेके वो भाग गए। अब मेरे साथ तो बहुत ज्यादती हुई है। देखें ये जुल्म है, ठीक है, आप 18 साल से कम बच्चे की शादी होती नहीं है, और वो जो निकाह है वो तो वैसे ही फेंक है, आपको पता ही है। तो जब एक निकाह नहीं है और तो आप एक बच्ची को एक आदमी के साथ कैसे भेज रहे, वो ना महरम है उसके लिए, तो अगर ये जिना होगा कौन जिम्मेदार होगा उसका, मुझे जवाब दें। जिना में जाएगा ना ये, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका। मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है और आज मेरे साथ हुआ है, किसी के साथ भी होगा। मैं चीफ जस्टिस से इंसाफ चाह रही हूँ कि मुझे मिले, क्योंकि बात ये है कि अगर आपने हमें नहीं भी देनी थी, आप इदारे में रखते बच्ची को, इदारे में रखते बच्ची रिलैक्स होती, बच्ची सही होती, सबके सामने हर चीज़ हकीकत आती। रात को लेकर आए 4:30 बजे और सुबह उसको जो नहीं बयान दिलाने के लिए ले गए, उसके कान पे वो लगा हुआ था, हैंड क्या ब्लूटूथ लगा हुआ था, और वो जो बंदा खड़ा होकर उसको मैसेज दे रहा था, ये बोलो ये बोलो ये बोलो, ठीक है। बात ये कि ये सही तरीका नहीं है। इससे हमारे पाकिस्तान में किसी क्या मतलब क्या ये होगा कि किसी की बच्चियां हम लोग सेफ नहीं है। कोई भी आएगा हमारी बच्चियों को उठा कर ले जाएगा और कहेगा ये मेरी है, कोई भी उठा ले कुछ भी कर ले, तो ये गलत बात है। हम पाकिस्तान की तरफ से क्या मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका सख्त कार्रवाई की जाए और बच्ची को वापस सिंध में लेके आया जाए, क्योंकि बच्ची सिंध की है, सिंध का कानून होता है, मगर मेरे साथ कहीं इंसाफ नहीं हुआ, ना पुलिस ने साथ दिया ना जज ने साथ दिया। जब 2 महीने आप बच्ची किसी को रखते हैं, आप उसकी गलत वीडियो बनाते हैं, आप धमकाते हैं, मारते हैं, उसको गलत आप मैसेज देते हैं, तो जाहिर है बच्चा तो फ़ौरन आके यही करता है। वो तो नज़र ही आ रहा था कि जब वो बात कर रही थी तो ऐसी थी जैसे बस अभी गिर जाएगी, ठीक है। और उसको एक बच्चे का बयान तो वैसे भी आप देखें, पहले जो निर्मा का जो हुआ था उसमें उससे बयान नहीं लिया गया, उन्होंने कहा आपका बयान हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बच्चा वहाँ से आता है तो वो नहीं कि बोली बोलेगा, उसको जो प्रेशर है वो तो वही बोलेगा ना, उसको आप रिलैक्स करने के लिए छोड़ा जाता है, उसके बाद लिया जाता है, और फिर जब उसकी एज कम होती है तो उसको दारुल अमान में दिया जाता है। ये नहीं करते कि जहाँ से आप बच्चे को गवाह जहाँ से लोगों से लाते उन्हीं को दे देते कि जी आप ले जाएं, ये आपकी चीज़ है, ये कहाँ का इंसाफ है मुझे बताएं।